नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत देसाई और मेरी जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वेलकम क्योर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डॉक्टर जवाहर शाह द्वारा शुरू की गई थी। डॉक्टर जवाहर शाह का तकरीबन 45 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में और टेक्नोलॉजी में, और मैं निधि देसाई और एक 150 के ऊपर से ज़्यादा लोगों की टीम उनके इस प्रयास को कि क्वालिटी हेल्थ केयर घर घर तक पहुंचाई जाए, इसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इस पोर्टल के द्वारा, इस संस्था के द्वारा जो ज़्यादा ऑनलाइन फोकस्ड है, इसमें हम वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट के थ्रू 36 से ज़्यादा देशों में पेशेंट से बात करते हैं। बॉम्बे में हमारा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है जिसके थ्रू 100 से अधिक डॉक्टर्स पेशेंट को सारी एडवाइस देते हैं। इस एडवाइस के बाद हम उनसे फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स करते हैं ताकि उनके हेल्थ केयर की ट्रैकिंग अच्छी हो, प्लस हम उन तक दवाइयाँ भी पहुँचाते हैं तो उनको कंसल्टेशन हमारे साथ लेने के बाद वापस दवा लेने ना जाना पड़े। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को ये लाभ मिल रहा है कि दुनिया के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सारे एक ही जगह पे अपने घर या ऑफिस बैठे आज उनका लाभ लेके वो अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हर साल इनके कई सारे घंटे, 100 से अधिक घंटे बचा सकते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने, उनके पास जाने, उनके क्लिनिक में रुकने, फिर अलग से फार्मेसी से दवाइयाँ लेने, क्योंकि अब ये सारी सुविधाएँ अब हमने उनको बहुत ही कन्वीनियंटली उपलब्ध करा दी। मैं खास करके एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो हम भारत सरकार के साथ करते हैं। भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर एक बहुत ही विशाल नेटवर्क है जिसका नाम है CSC, जिसको हम कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। इस नेटवर्क के थ्रू, ये भारत का नहीं, शायद विश्व का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ओन फिज़िकल नेटवर्क है, जहां तकरीबन 4.25 लाख सेंटर्स है, टच पॉइंट्स है। तो जैसे मैंने कहा, हम 36 से ज़्यादा देशों में हैं, पर हमारे देश में ही, भारत में ही नहीं तो जो रूरल हेल्थ केयर की सिनेरियो है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि वहाँ लोगों को डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं है। तकरीबन 70% पॉपुलेशन भारत का रूरल इंडिया में बैठा हुआ है और इनको काफ़ी किलोमीटर तक जाना पड़ता है किसी डॉक्टर से मिलने। उनको मिलने के बाद उनको किस क्वालिटी की दवाइयाँ वो देते हैं, वो अफोर्डेबल है कि नहीं, क्वालिटी मेडिसिन है कि नहीं, काफ़ी सारे प्रश्न आज की तारीख में लोगों को चिंतित करते हैं। इस माध्यम से, CSE के माध्यम से, उन्होंने जो काफ़ी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज इस नेटवर्क के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे, अब उन्होंने काफ़ी हमारे जैसी प्राइवेट संस्थाओं के साथ जुड़कर अब हेल्थ केयर देने का भी प्रयास किया है, जिसमें आप हैरान होंगे सुनकर कि पिछले 2 से 2.5 सालों में तकरीबन 3.5 से 4 लाख पेशेंट सरकार ने देखे हैं, जिसमें लोग उस कॉमन सर्विस सेंटर में आते हैं। वहाँ बैठा जो एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होता है, जिसे हम VLE कहते हैं, वो लोगों को एक डेस्कटॉप लैपटॉप सिस्टम के सामने बिठाकर उनको एक वेबकैम के थ्रू हमारे और दूसरी हमारी जैसी संस्थाओं के डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्ट करवाता है, और उस कंसल्टेशन के बाद उनको वहाँ पर हम दवाइयाँ भी पहुँचाते हैं। तो एक पेशेंट साल में 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार वहाँ आके कंटिन्यूसली अपने हेल्थ केयर का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है, डॉक्टर से अपनी पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्रूवमेंट्स की बातें करके अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे बेहतर और किया जाए वो ट्रैकिंग हो सकती है, जिसके लिए अब उनको शहर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ इतने अच्छे अच्छे, इतने डिफ़िकल्ट केसेस देखे और उन पेशेंटों को ठीक किया है। 2-3 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जैसे हम मुझे याद है, एक बच्चा था जिसके साथ खेल रहे थे घर वाले, और वो उछालते उछालते बेचारा बच्चा गिर गया और कोमा में चला गया। वो काफ़ी सारे बड़े बड़े अस्पतालों में गया, काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास गया, उसको रिलीफ नहीं मिली, और उसको यहाँ तक किसी पढ़े लिखे डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बच्चे को गंगा में बहा दो, इसका कुछ नहीं हो सकता। उस टाइप के पेशेंट को भी हमने 6 हफ्ते में इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट सोल्यूशन दिए कि वो बोल सकता था, माँ बाप मुझे खाना दो, और इतनी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आने लगी। पैरालिटिक पेशेंट्स जो पहले उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, अब वो कॉमन सर्विस सेंटर में चल के जाते हैं और बोलते हैं, मेरी डॉक्टर से बात करवा दो, मेरी ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, मेरी पैरालिसिस ठीक कर दी, छोटी बड़ी बीमारी हो तो ये यूँ ठीक कर देंगे।
तो ऐसे कई सारे हज़ारों केसेस हैं हमारे पास जो बिना एक पेशेंट को फिज़िकली मिले हमने मात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको हमने उनकी पूरी की पूरी केस हिस्ट्री डिजिटाइज की, एनालाइज की और उनको अच्छी और क्वालिटी मेडिसिन हमने फिर वहाँ भेज कर और उनका कंटिन्यूस फॉलोअप करके उनको ठीक किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत ट्रूली बदल रहा है, ट्रूली डिजिटल इंडिया हो रहा है और जो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे जैसी कंपनियों के साथ जुड़ के वो जॉइंटली ज़मीन तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी सुधार आ रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और इन चीज़ों को और बढ़ावा दे के इसको और ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर और लोगों को लाभ दिला के इस चीज़ के बारे में हमें दुनिया में काफ़ी इसकी चर्चा करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ताकि और लोग इसका लाभ दे सकें। तो सर जो आपकी तरफ से जो कैंप लगाए जाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे हम ये ऑनलाइन करते हैं वैसे हम काफ़ी सारी कैंप भी लगाते हैं, काफ़ी बार हमारा जो पेशेंट CAC नेटवर्क के थ्रू नहीं देखा जाता, हमें काफ़ी बार आमंत्रित किया जाता है कैंप्स करने, कहाँ कोई बिछड़े हुए लोकेशन में कहाँ कोई पीड़ित ग्रुप हो उनके पास जाने। इन कैंपों में क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है होम्योपैथ्स का वो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 2 लाख होम्योपैथ्स के ऊपर का है, बाकी काफ़ी सारे दूसरे डॉक्टर्स भी हैं एलोपैथी के नेचुरोपैथी के जो हमारे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टूल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारी पूरे देश में कहाँ भी कैंप्स हो हम उन डॉक्टरों को इकट्ठा करते हैं, लोगों से कंसल्टेशन करवाते हैं और उनको जितनी सेवा दे सकते हैं वो हम देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मेरा यही कहना है कि देश बदल रहा है, लोगों को हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड ओवर हैबिट है कि एक किसी डॉक्टर से बात करनी हो तो हर आदमी एक मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ हफ्ते या दिन रुकने पड़े शायद अपॉइंटमेंट मिलने, वहाँ जाके घंटों रुक इंतज़ार करना है और ये एक्सरसाइज रिपीटेडली करनी है। पर डिजिटल माध्यम के थ्रू आप काफ़ी अपना समय बचा सकते हैं और समय से ज़्यादा जो डॉक्टर आज आपकी विसिनिटी में नहीं है, आपके लोकेशन में नहीं है, भले कोई और लोकेशन चाहे क्यों ना किसी और देश में हो, आप उन डॉक्टरों के साथ संपर्क करके अपने लिए क्वालिटी हेल्थ केयर ले सकते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है फ्रॉम फिजिकली सीइंग अ डॉक्टर टू डिजिटली सीइंग अ डॉक्टर, इस माइग्रेशन में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस चीज़ का लाभ ले और अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करें। दूसरी चीज़ सारे साइंस की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं और अपन एक चीज़ जो मैं खास कहना चाहूँगा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है जिसमें पांचों जो नेचुरल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इन पांच चीज़ों का लोग लाभ ले क्योंकि नेचर में हर चीज़ का रिजल्ट है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, काफ़ी किफ़ायती है और काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। तो दो चीज़ लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक चीज़ अच्छे डॉक्टरों को अब आप संपर्क कीजिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपना वक्त बचाइए और हो सके उतना आप आपके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट्स का उपयोग कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिले, किफ़ायती सोल्यूशन मिले।